जिला सोलन में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीबीएन का क्षेत्र कोरोना संक्रमितों का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। आज भी दो नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 पहुंच चुका है। इसमें से 23 अभी तक एक्टिव कोरोना संक्रमित मामले हैं। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा रखी है। कोरोना संक्रमण ना फैले इसलिए स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें कार्य कर रही हैं, और जिसमें खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं उसके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रोज करीबन 100 से 150 लोगों के टेस्ट करवा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया। मैं डॉक्टर एनके गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सोलन। पिछले दो दिनों में हमारे पास दो केसेस जो है कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक आदमी को जो हमने रखा था वो रामशहर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। दूसरा जो आदमी है वो तकरीबन एक महीना पहले हमारे पास आया था डिस्ट्रिक्ट में, और वो तकरीबन 28 दिन पहले हमारे 21 दिन पहले तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ था, और अब वो दोबारा पॉजिटिव हुआ है। इसको देखते हुए हमने एक तो एहतियात रखा ही है कि जो भी लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे हैं उनकी 100% सैम्पलिंग की जाए।